दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में मॉनसून इस बार अनिश्चितता का व्यवहार करता नजर आया। मॉनसून की दस्तक देने के 3 महीने के दौरान दर्जन भर बार पूर्वानुमान के बाद भी दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं हुई तो जुलाई, अगस्त और सितंबर में बारिश के कई रिकॉर्ड भी तोड़ डाले। मॉनसून का यह व्यवहार बुधवार को भी दिखा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बुधवार को बादल तो दिन भर छाए लेकिन जमाजम बारिश का लोगों को इंतजार खत्म नहीं हुआ। यह अलग बात है कि दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश जरूर हुई लेकिन ऑरेंज अलर्ट की स्थिति तक बारिश का दौर नहीं चला। इस बीच मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बृहस्पतिवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का मौसम अभी 28 सितंबर तक बना रहेगा लेकिन बदली हुई मौसमी परिस्थितियों में तेज बारिश की संभावना अब कम ही है। दूसरी तरफ यह भी उल्लेखनीय है कि इस साल सितंबर के आखिर तक बारिश की भविष्यवाणी के साथ दिल्ली में अब तक का दूसरा सबसे अधिक बारिश वाला मानसून बनने की संभावना है। दरअसल बुधवार को मानसून ने चकमा दे दिया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी बेमानी ही साबित हुआ। ऑरेंज अलर्ट में अनुमान तो था झमाझम बारिश का जबकि बादल बूंदाबांदी तक ही सिमट कर रह गए। वैसे बृहस्पतिवार को भी बादल छाए रहेंगे लेकिन हल्की बारिश होने की संभावना ही है। बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 31.8 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हवा में नमी का स्तर 66 से 89% किया गया। बारिश आयानगर में 2.2 मिलीमीटर जबकि लोधी रोड पर बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई। वहीं स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष ने बताया है कि राजस्थान की तरफ जहां निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है और वहीं छत्तीसगढ़ की ओर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, इन दोनों के मिश्रित प्रभाव से अगले कई दिन दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। कुल मिलाकर पूरे सप्ताह मानसून की बारिश लोगों को भिगोती रहेगी और दिल्ली एनसीआर में मौसम भी सुहावना बना रहेगा। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।